हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सर दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा एंडो क्राइनोलॉजी के अंतर्गत आने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा इसका फुल डिटेल कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं, इसमें से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और ये इसकी ओरिजिन कहाँ से होता है, और इसमें जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं वो हार्मोन जो है हमारे बॉडी में जो है कौन से पार्ट को जाकर इफेक्ट करता है, और कौन से जो फंक्शन होता है उसको वो करते हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ तक आपको बताऊंगा कि जो इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, कौन से सेल्स के द्वारा जो है कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, और उसका क्या काम होते हैं। हम लोग इसको पूरा डिटेल जो इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अंतिम तक देखते रहना है और समझने की कोशिश करना है कि क्या यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने कुछ यहाँ पर सिनॉप्सिस आपके लिए लिखा हूँ। तो इसमें आएगा पहले इसका इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का इसमें डेफिनेशन वगैरह, इसमें देखेंगे मतलब उसका एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं, क्या उसका डेफिनेशन होता है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे इसका ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे जो थ्री जर्म लेयर होते हैं, जब ब्रोनिक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उस समय कहाँ से जो है वो ग्रो होता है, कहाँ से उसके ओरिजिन होते हैं उसको देखेंगे। फिर आगे इसमें पोजिशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पर हमारे बॉडी में जो है पाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो स्ट्रक्चर एवं फंक्शन को हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रक्चर भी आएगा, जिसमें स्ट्रक्चर में आपका दो इसके पार्ट आपके पास दिखेंगे। एक जो इसका होगा पार्ट उसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस होगा, और दूसरा होगा इसमें नीरो हाइपोफाइसिस। दो इसके पार्ट हमको देखने को मिलेगा। तो एडिनो हाइपोफाइसिस में आपके पास जो है वो तीन पार्ट इसके फिर से रहते हैं। इसमें आएगा पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबलेरिस एवं जो है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं। उस तरह से जो है बी नंबर इसमें न्यूरो हाइपो फाइसिस में इसमें आएगा आपके पार्ट जो है आपका नर्वोसा एवं जो है आपका इनफंडिबुलम जो है स्टॉक के रूप में आएंगे, ठीक है। तो इससे के द्वारा भी हार्मोन्स सिक्रीट होगा, तो इसको हम लोग पूरी डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आएगा उसके बाद इसमें डिसेज कॉज बाय जो है हाइपो सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन से क्या रोग होता है, और हाइपर सिक्रेशन से जो है यहाँ पर क्या रोग होते हैं, उसके बाद आएगा देन कंक्लूजन, देन आएगा आपका रिफरेंस। इंट्रोडक्शन ऑल वर्टिब्रेट्स एनिमल की बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू के फोल्डिंग से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो ऑल वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उसके बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है उसको फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग मतलब उसको मुड़ेगा। तो मुड़ने के कारण जो है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन मतलब एक संरचना का निर्माण होगा, जिसे बोलते हैं हमारे में ग्लैंड, यानी कि एक लोब्यूल नुमा या आपका एक जो है थैली नुमा स्ट्रक्चर के इसमें फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे हमारे ग्लैंड के नाम से उसको जाना जाता है। और ग्लैंड एंड जो हार्मोन्स की स्टडी जो है आपका एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, जो ग्लैंड होते हैं और ग्लैंड के थ्रू जो वहां जो जूस निकलता है, वहां जो ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन वहां से निकलते हैं उसको बोलते हैं हमारे में एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। अब उसका क्या बोलता है, जनरली ग्लैंड स्पेसिफिक हार्मोन्स को जो है सिक्रेट करते हैं, जिसे कि आपका केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। जनरली जो आपके ग्लैंड होता है, हर एक ग्लैंड जो है अपना एक स्पेसिफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ऐसा नहीं कि इसमें से जो तीन जो ग्लैंड होते हैं वो एक ही हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। सब जो ग्लैंड होता है सबका अलग अलग जो है क्या होते हैं, वो अपने अपने हार्मोन्स को वो सिक्रीट करने का काम जो है वो करता है, और इसीलिए इसका नाम होता है आपका केमिकल मैसेंजर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे में ग्लैंड का जो है, ग्लैंड आपका क्या होते हैं, डिवाइडेड मेनली जो है फ्लो टाइप में जो है इसको डिवाइड किया गया है। तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला आएगा इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा आएगा इसमें मिक्स ग्लैंड। जो हमारा अब पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने इसके लिए बात किया था कि कौन सा हमारा एक्सोक्राइन होता है, एंडोक्राइन और आपका मिक्स नेचर, इसके बारे में आप बताया था। तो आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। हम लोग उस वीडियो जो हमारा अब पिछला वीडियो हमने एड्रिनल ग्लैंड का फुल डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। तो सॉरी एक्सोक्राइन जो होता कैसे, इसमें डक्ट रहता है, इसमें आपके डक्ट पाए जाते हैं, लेकिन एंडो जो क्राइन होता है उसमें डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इसमें कोई भी प्रकार के जो है वो डक्ट इसमें नहीं पाते। और मिक्स ग्लैंड होते हैं उसमें क्या है आपका, कुछ जो होते हैं कुछ हद तक उसमें जो है डक्ट होता है, उसके बाद वो विदाउट डक्ट वाले जो है वो हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो डक्ट आएगा आपके एक्सो क्राइन में क्या आएंगे, आपका स्वेट ग्लैंड आएंगे, स्लेवरी ग्लैंड आएगा, उसके बाद जो है आपका पॉइजन ग्लैंड जो इसमें आते हैं। फिर आएगा इसमें आपका एंडोक्राइन में क्या आएगा हमारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैरा
थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं हमारे में, इंडोक्राइन जो है ग्लैंड के नाम से इसको जाना है। मिक्सम क्या आएगा आपका, पेनक्रियास आएगा, टेस्टिस एवं जो है ओवरी आपका मिक्स ग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ एनिमल बॉडी, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है एनिमल के अब बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड को साइंटिस्ट वेस्लियस ने फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर इसको किया था। हार्मोन डिफरेंट हार्मोन्स को जो है वो सिक्रेट करते हैं, मतलब पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को जो है सिक्रेट करते हैं, जिसके द्वारा हमारे जो बॉडी होते हैं, बॉडी में जो अदर ग्लैंड होता है उसमें क्या करता है, ये रेगुलेशन का काम जो है वो करता है। मतलब इससे जो हार्मोन्स सिक्रेट होता है वो किसी दूसरे ग्लैंड में जाकर उसके रेगुलेशन को भी क्या करता है, वो मेंटेन करने का काम जो है वो करता है। इस कारण इसको बोलते हैं हमारे में मास्टर ग्लैंड, या इसे क्या बोलते हैं आपका बैंड मास्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, बैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि जो है ये बहुत सारे जो हमारे पास ग्लैंड रहते हैं उसका भी क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन कहाँ से होता है इसको देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन आपका ब्रोनिक स्टेज का जो है आपका एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल एक्टोडर्मा एंड जो है आपका न्यूरल पार्ट से होता है। कहाँ से होता है आपका फेरेंजियल एक्टोडर्मा एवं जो है आपका न्यूरल पार्ट से इसके जो है ओरिजिन जो है वो होता है, इसको आपको याद में रखना है, फेरेंजियल एक्टोडर्मा एंड जो है न्यूरल पार्ट से इसकी ओरिजिन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, और ये फीसेस में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लेस डेवलप्ड टाइप का होता है, जबकि मेमल्स में यह जो है आपका वेल डेवलप टाइप का जो इसमें पाया जाता है। तो देख लेते हैं अब, तो ये है हमारे में, यहाँ पर हमने लिख दिए हैं डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन वर्टिब्रेट सीरीज के रूप में किस तरह से होता है। तो एग्नेक्था एक फीस है, तो इसमें फीस क्या है आपके, जो एग्नेक्था में जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है वो लेस देन रहता है, मतलब बहुत ही कम डेवलप इसमें होते हैं। कॉन्ट्रेट चेथिस जो होता है फीस इसमें भी क्या रहता है, लेस डेवलप होता है। और उसका जो ऑस्टी चेरिस जो फीस रहता है उसमें भी कैसा रहता है, लेस डेवलपमेंट जो है इसमें रहते हैं। फिर आएगा एम्फीबिया, एम्फीबिया में आपका भी इसमें मतलब फीसेस की अपेक्षा थोड़ा सा इसमें डेवलप्ड रहते हैं। फिर उसके बाद रेप्टिलिस होता है, तो रेप्टिलिस में भी कुछ हद तक इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आएगा इसमें बर्ड्स, बर्ड्स में भी आपका जो है उतना ज्यादा वेल डेवलप्ड इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन आपके मैमल जो होते हैं इसमें आपका वेल डेवलप्ड पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें जो है वो पाया जाता है। मैग्जोनियोडिया है, इसमें जो है आपका किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, तो इसमें आपका पार्स डिस्टेलिस को उसका उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। फिर उसके बाद होगा इसमें नीरो हाइपोफेरेंजियल टिश्यू है, इसको बोलते हैं नीरो हाइपोफेरेंजियल टिश्यू। फिर उसके बाद आपको में नर्वस टिशू, इस तरह से इसमें क्या रहता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फिट रहता है, लेकिन इसमें क्या है वो लेस डेवलप्ड है, पूर्ण रूप से इसमें डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुए रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है आप में आपको कॉन्ट्रेस टाइम में देखते हैं, तो क्या होता है इसमें भी आपका लेस डेवलपमेंट में रहता है, तो नीचे गोर जो रहता है इसको बोलते हैं हमारे पार्स डिस्टेलिस, उसके बाद होगा पार्स इंटरमीडिया होगा, फिर उसके बाद होगा नीरो हाइपोफाइसिस, उसके बाद यहाँ पर जो है ब्लड के जो है वेसल्स के रूप में पाया जाता है, तो ये भी कैसा होता है लेस डेवलप्ड रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आएगा इसमें एन्यूरा का, तो एन्यूरा में क्या होता है, ये एन्यूरा का फिग है, उसमें कुछ इस तरह से जो है आपका क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पाया जाता है, जिसमें जो लोबुल्स ग्रुप में रहता है यहाँ पर उसको बोलते हैं न्यूरल लोब के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पार्स इंटरमीडिया होगा, फिर आएगा इधर की अंदर की ओर जब आएंगे तो इसमें दिखेगा आपको पार्स ट्यूबलेरिस रहता है, फिर इधर के नीचे को आपके ब्लड के वेसल जो है इसमें पाया जाता है। तो कुछ इस तरह से आप में जो है आपका एनीरो में पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं। जो है आपका जो फिग दिख रहा है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इन क्रोकोडाइल में जो है कुछ इस तरह से इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पाया जाता है। तो इसके जो इधर वाला जो लोब रहता है इसको बोलते हैं हमारे में सेफेलिक लोब ऑफ पार्स डिस्टेलिस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद होगा आप इसमें आपके कॉर्डियल लोब आप जो है पार्स डिस्टेलिस के रूप में इसको जानते हैं। फिर ऊपर की ओर जो है यहाँ पर जो आपके नीले रंग में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हमारे में पार्स इंटरमीडिया, फिर ऊपर इससे जस्ट ऊपर आपके पाए जाते हैं पार्स नर्वोसा, फिर इधर जो लाइन के रूप में आपके पास दिख रहा है इनफंडिबुलम स्टाक के रूप में यहाँ पर जो है पाया जाता है, छड़ के रूप में पाए जाते हैं। तो ये किस्म होता है आपके क्रोकोडाइल में इस तरह से इसमें पाया जाता है। अब आता है उसके बाद ऑस्ट्रिच में देखते हैं, तो ऑस्ट्रिच में किस तरह से होता है, तो ऑस्ट्रिच के में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं कुछ इस तरह से इसमें पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हमारे में सेफेलिक जोन ऑफ पार्स डिस्टेलिस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर जो नीचे की ओर जो लोब आपके पास जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्वाइडल जोन ऑफ
पार्स डिस्टलिस के नाम से इसको जानते हैं। फिर इधर की ओर जब आएंगे तो नीचे में रहता है हमारे पार्स इंटरमीडिया, फिर जस्ट इसके ऊपर पार्स नर्वोसा, फिर इसमें आएगा आपका डैन सेफलॉन, जिसमें जो है वो पाया जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपका पाए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आता है इसमें पोजिशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में कहाँ पर वो पाया जाता है, तो उसको देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन के बेस पर जो है डैन सेफलॉन के नीचे की वॉल में। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर, ब्रेन के जो होगा ब्रेन के बेस पर जो है एक डैन सेफलॉन जो पार्ट रहता है उसके जो वॉल रहेगा उसके जो नीचे में जो स्कल स्कल में आपका स्फेनॉइड जो है बोन पाया जाता है। स्फेनॉइड बोन के जो है वहां पर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हमारे में आपका सेला टर्सिका में जो है वो फिट रहता है। ठीक है, तो कहाँ पर फिट रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका ब्रेन के बेस पर जो है डैन सेफलॉन के नीचे की वॉल में स्कल के स्फेनॉइड बोन में जो एक कैविटी पाया जाता है जिसको बोलते हैं हमारे में सेला टर्सिका नामक कैविटी में जो है वो फिट रहता है, वहां पर इसको पाया जाता है वो। ठीक है, और यह जो है आपका हाइपोथैलेमस से जो है इन्फंडिबुलम स्टाक के थ्रू जो है वो अटैच रहता है। जो हाइपोथैलेमस होते हैं उससे वो इन्फंडिबुलम के द्वारा जो इन्फंडिबुलम जो स्टाक रहता है छड़ रहता है उसके थ्रू जो है क्या हैं वो अटैचमेंट में वो रहता है। और इससे जो है आपका इस कंप्लीट सिस्टम को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक सिस्टम भी कहा जाता है। किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस और इन्फंडिबुलम स्टॉक जब एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ रहेगा जिसको बोलेंगे हमारे में हाइपोथैलेमिक सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन कहां पर पाया जाता है आपका, तो ध्यान रहे ये जो है आपका सीधा सीधा आप बोल सकते हैं स्फेनॉइड बोन में का कैविटी पाया जाता है उसमें जो है वो पाए जाते हैं। स्फेनॉइड बोन के अंदर जो कैविटी जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको एकदम डिटेल्स और इसको बताना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन के बेस पर डैन सेफलॉन के नीचे में एक वॉल में जो है आपके स्कल के अंदर स्कल के यानी कि खोपड़ी के अंदर जो स्फेनॉइड बोन रहेगा तो स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका नामक कैविटी में पाया जाता है, या आप बोल सकते हैं स्फेनॉइड जो बोन के सेला टर्सिका नामक कैविटी में जो है वो फिट रहता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होता है तो उसको देख लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका जो है पी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, पी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, अब मटर के दाने के जो है समान इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है। इसका वेट जो है मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंट होता है, मेल और फीमेल में इसका जो वेट रहता है वो कैसा होता है, डिफरेंट है, अलग अलग इसमें पाया जाता है। मेल में कितना होता है 0.5 से 0.6 ग्राम का होता है, और फीमेल में ही जो है आपका 0.6 से 0.7 ग्राम का होता है, क्योंकि जो है फीमेल में जो है हार्मोन्स का सिग्रेशन कुछ ज़्यादा होता है, मतलब कि इसका रेगुलेशन जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान या और किसी के चीज़ के दौरान जो है फीमेल में जो है इसका हार्मोन्स की जो है रेगुलेशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है मेल की अपेक्षा, इसलिए जो है वो जो फीमेल है उसमें थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब आगे इसका स्ट्रक्चर को आप देख लेते हैं कुछ इस तरह से। जो है आपका मैमल्स में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कुछ इस तरह से इसमें पाया जाता है। जो ऊपर की ओर आपको दिख रहा है ये हमारे में न्यूरल स्टॉक है। ठीक है, ये क्या हमारे में न्यूरल स्टॉक है। ठीक, अब इधर नीचे को ये जो आपको घेरे हुए है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है घेरे हुए है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, और यही इन्फंडिबुलम स्टॉक जो है आगे जाकर इससे जो जुड़ेगा आपका हाइपोथैलेमस से जो है वो जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ से आकर जाकर जो है हाइपोथैलेमस से वो आकर जाकर वो जुड़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है, इधर देखिए ऑप्टिक काइज्मा दिख रहा है आपको। ऑप्टिक मतलब जो आंख से जो नर्व वगैरह जो आते हैं उसमें ऑप्टिक काइज्मा आने की यहाँ पर जो है वो सिनेप्टिक इसमें पाए जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इधर के जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका ये है आपका पार्स टिबुलेरिस जो बोलते हैं, फिर इधर जो बीच में आपके पास दिख रहा है ये स्ट्रक्चर तो इसको बोलते हैं हमारे पार्स इंटरमीडिया, फिर जो इधर का स्ट्रक्चर है राइट के तरफ है उसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, फिर नीचे की ओर जो इसको इधर से घिरे हुए है पार्स डिस्टेलिस को जो घिरे हुए है इसको बोलते हैं हमारे पेरियोस्टेम, फिर नीचे की ओर आपका जो स्ट्रक्चर रूप में दिख रहा है उसको बोलते हैं हमारे में बोन है तो इसको बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। ठीक है, तो ये कहाँ पर फिट है हमारे इस स्फेनॉइड बोन में जो वो फिट रहता है, तो ये स्फेनॉइड बोन का स्ट्रक्चर है और इसमें आपका जो एक खाँच पाया जाता है। ये जो खाँच है यहाँ पर ये जो खाँच है इस खाँच को क्या बोलते हैं हमारे में सेला टर्सिका, तो ये खाँच जो है इसको नाम होता है सेला टर्सिका खाँच में जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फिट रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आए इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का और इसमें तोड़कर इसका डिटेल स्ट्रक्चर को इसमें देखेंगे तो इसमें इंटीरियर पार्ट रहता है और एक रहता है पोस्टीरियर पार्ट। जो इंटीरियर पार्ट होता है इसको बोलते हैं आपका एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट जो रहता है उसको बोलते हैं हमारे में नीरो हाइपोफाइसिस के नाम से इसको जाना जाता है। और एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन भाग इसमें होता है, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस और पार्स
ट्यूबलेरीज एवं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, उसी तरह से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्स नरोसा एवं जो है इनफंडिबुलम स्टाक। ठीक है, इसके दो पार्ट्स इसमें रहता है। तो अभी जो हाइपोथैलेमस होगा वो कहाँ से आपके पोस्टेरियर पार्ट से जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसमें तो हाइपो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस की ओरिजिन कहाँ से होते हैं, तो एराइज फ्रॉम जो है आपका रेस्टस पाउच के थ्रू इसमें जो है वो इसका एराइज जो है वो होता है। उस तरह से आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है इसका एराइज फ्रॉम जो है न्यूरल एक्टोडर्मस, इसके एराइज जो है होते हैं, ओरिजिन जो इसमें होता है। अब आएगा इसका पूरा डिटेल्स के साथ इसमें हम लोग अभी देखेंगे। आप तो डिटेल्स में आते हैं तो पहला आएगा हमारे में एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 75% जो है पार्ट किसका होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस का होता है। इसकी ओरिजिन जो आपका ब्रूनी स्टेज में आपका रेक्टस पाउच से जो है वो होता है। फिर ये जो है आपका कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, यानी कि अलग अलग पार्ट से जो है वो कंसिस्ट होता है। तो पहला इसमें आएगा हमारे में पार्स डिस्टेलिस। तो पार्स डिस्टेलिस में जो है वो किस तरह से इसमें पाए जाते हैं उसको देखते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस का जो है ये आपका 75% पार्ट जो है वो बनाता है। इसमें दो चीजें आ गए, तो हमारे में जो क्या पाए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 75% पार्ट किसका रहता है? इंटीरियर पार्ट का रहता है। ठीक है, इंटीरियर का रहता है। और उसी तरह से इंटीरियर के जो पहले पार्ट्स पाए जाते हैं इसमें पार्स डिस्टेलिस, उसका भी कैसा रहता है जो एडिनो हाइपोफाइसिस, उसमें उसका पार्ट कितना है? 75% पार्ट जो है वो बनाता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सो मैन, पार्स डिस्टेलिस में फॉलोइंग टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। जो पार्स डिस्टेलिस पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे जो है इसमें टेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है इसमें करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो पहला इसका आता है सेल्स को बोलते हैं इसमें एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स सेल बोलते हैं, इट इज राउंडेड सेल विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेल। ये जो रहेगा हमारे में एसिडो फील जो सेल है इसमें के अंदर भी और बहुत सारे इसमें सेल जो है वो पाए जाते हैं। तो इसको अब देखते हैं। तो ये था हमारे पास क्या है, पार्स डिस्टेलिस है। तो पार्स डिस्टेलिस के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? अलग अलग सेल्स होते हैं। तो उसमें से जो पहला सेल से इसको बोलते हैं एसिडोफिल सेल। तो एसिडोफिल सेल के भी अंदर भी हमारे पास जो है दो सेल इसमें पाए जाते हैं, इसको जिसका नाम होता है एक में सोमेटोट्रॉफिक सेल और एक लेक्टोट्रॉफिक सेल। ठीक है, दो सेल इसमें होता है, एक होता है सोमेटोट्रॉफिक सेल और दूसरा होता है इसमें लेक्टोट्रॉफिक सेल्स। दो सेल इसमें पाए जाते हैं। तो बोलते हैं चलिए शुरू करते हैं सोमेटोट्रॉफिक सेल। यह सेल जो है आपका सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन उसका सिक्रेशन करती है। सोमेटोट्रॉफिक जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स एनिमल की ग्रोथ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। सोमेटोट्रॉफिक जो हार्मोन्स होता है वो एनिमल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होगा इसमें लेक्टोट्रॉफिक हार्मोन्स। तो अब क्या बोलते हैं इसमें, यह सेल्स लेक्टोजेनिक हार्मोन्स सिक्रेशन करता है। इसको करता है वो लेक्टोजेनिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाला होता है, जिसे बोलते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रोलेक्टिन हार्मोन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। और यह जो है आपका हार्मोन्स मिलकर सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन्स के थ्रू ही क्या होता है, मिलकर सिक्रेशन होता है फीमेल के बॉडी। बेसोफिल सेल के नाम से इसको जानते हैं। तो बेसोफिल सेल का देख लेते हैं क्या बोलते हैं। यह जो आपका इन रेगुलर राउंडेड शेप्ड एंड जो है साइज का सेल होता है। ठीक है, कैसा होता है? इन रेगुलर होता है, यानी कि इसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है, जो है साइज का नहीं होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के इसमें जो है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर भी अलग अलग इसमें क्या होगा, सेल्स हमारे पास जो है इसमें रहेंगे। तो पहला इसमें आता है हमारे में थायरोट्रॉफिक सेल। पहला है इसमें थायरोट्रॉफिक सेल। और चलिए अब उसके बाद देखते हैं, यह आपका पॉलीगोनल सेल है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन करता है। किसका करता है वो? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो है इसमें सिक्रेशन करता है, मतलब जो है TSH का जो है इसमें सिक्रेशन इसमें होता है। फंक्शन क्या है? यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। तो थायराइड जो ग्लैंड होता है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड के थ्रू हमारे में थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन्स का वहां पर सिक्रेशन होता है। तो उसके सिक्रेशन के लिए जो है वो स्टिमुलेट जो है वो करता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया था क्या, मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ये जो है वो बहुत सारे जो ग्लैंड होते हैं उसमें जो हार्मोनल सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम जो है वो करता है। फिर उसके बाद इसमें गोनेडोट्रॉफिक सेल आता है। तो ये क्या करता है? यह जो है आपका राउंडेड एंड जो है पॉलीगोनल जो है सेल है जो कि आपका गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। इसके द्वारा क्या होगा? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन इसमें किया जाता
है, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स होगा, ठीक है, गोनेडोट्रॉफिक सेल के थ्रू जो है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स का सीग्रेशन होता है। ये भी आपके दो प्रकार के होता है, पहला होता है इसमें FSH और एक होता है LH। FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लुटिलाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लुटिलाइजिंग हार्मोन्स, और इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। अब इसको देखते हैं क्या बोलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जो है इट्स स्टिमुलेट द स्पर्म फॉर्मेशन, जो FSH होता है वो स्टिमुलेट करता है किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो है वो स्टिमुलेशन करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है इट कंट्रोल द ओजेनेसिस प्रोसेस, ये जो होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल या प्रोसेस करने का काम जो है वो करता है, क्योंकि जो ओजेनेसिस की जब क्रिया होती है उसमें फॉलिकल्स उसमें निर्माण होता है, तो पहले हमारे पास क्या आते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं, उसके बाद प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद क्या आता है ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, फिर वहां से ओवुलेशन होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए FSH की आवश्यकता वहां पर होती है। फिर आते हैं यहाँ पर लुटिलाइजिंग हार्मोन, तो ये क्या बोलता है इट रेगुलेट द एग, एग के जो है रेगुलेशन को वो करता है, उसी तरह से इसमें मेच्यूरेशन एंड ओवुलेशन, मेच्यूरेशन करेगा जो एग रहेगा उसका क्या करेगा इसमें मेच्यूरेशन करेगा एवं जो ओवुलेशन की प्रोसेस को जो है कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मेंटेन द कॉर्पस लुटियम, जो कॉर्पस लुटियम जब ओवुलेशन जब होता है तो टर्सरी फॉलिकल होते हैं, वहां से जब ओवुलेशन की क्रिया होती है सेकेंडरी ओसाइट जब वहां से बाहर निकलता है तो जो जो खाली रिक्त स्थान वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है उसको बोलते हैं हमारे में कार्पस लुटियम, तो उसका जो है मेंटेनेंस करने का काम करता है लुटिलाइजिंग हार्मोन्स या LH इसको करते हैं। कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल, ये जो है आपका सेल टू हार्मोन्स का सिग्रेशन करते हैं, दो हार्मोन्स के इसमें क्या होता है इसमें सिग्रेशन होता है, जिसका नाम होता है ACTH, या इसी बोलते हैं एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट द एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स होता है उसका स्टिमुलेशन का काम जो है वो करता है, ठीक है। जो हमारा पिछला वीडियो था हमने एडिनल के एडिनल ग्लैंड के बारे में हमें बताया है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि एडिनल कॉर्टेक्स के थ्रू जो कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होगा इसमें MSH का भी इसमें क्या होता है सिक्रेशन, इसको बोलते हैं हमारे में मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको बोलते हैं मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ मिलेनो पिगमेंट, ठीक है, मिलेनिन जो पिगमेंट होता है मतलब हमारे बॉडी का जो रंग होता है, तो के रंग जो हमारे में एक पिगमेंट पाए जाते हैं मिलेनोसाइड या मिलेनिन जो है उसमें पिगमेंट होता है, उसके कारण इसमें क्या होता है हमको जो है हमारे जो कलर होता है उसमें डिफरेंशिएट आता है, तो उसको जो है आपके MSH जो है मिलेनोसाइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। फिर तीसरा नंबर है क्रोमोफिल सेल, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो हमारा पहला जो है पार्स डिस्टेलिस के अंदर हमारे पास मिलेगा तीन हमारे पास सेल्स रहेगा, मेन तीन सेल्स रहते हैं, एक का नाम होता है आपका एसिडोफिल सेल होता है, एसिडोफिल सेल, उसके बाद होता है आपका बेसोफिल सेल, फिर उसके बाद होगा आप में क्रोमोफिल सेल, ठीक है, तीन सेल उसमें होते हैं। अब उस तीन सेल के अंदर भी अलग अलग जो है उसके सेल्स और पाए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज उसमें नहीं होना है, ठीक है। तो अब आता है इसमें क्रोमोफिल सेल, तो ये जो है आपका ये सेल कलर के प्रति जो है एक्टिविटी को जो है शो करता है, तो इसमें आएगा आपको क्रोमोफिल सेल जो है आपका अल्फा सेल रहता है और एक रहता है बीटा सेल, तो अल्फा सेल रहता है आपका कितना 35% और इसी तरह से आपका जो बीटा सेल रहता है वो 15% इसमें जो है वो पाए जाते हैं। क्रोमोफिल सेल के अतिरिक्त जो है सम इसमें क्या पाए जाए हमारे में क्रोमोफेबस सेल की भी प्रेजेंट यहाँ पर जो है वो रहता है, तो इसका फंक्शन क्या करता है इट कंट्रोल द बॉडी कलर ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल के बॉडी का जो है इसमें कंट्रोल उसमें होता है रंग का कंट्रोल इसमें किया जाता है। तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर, यानी कि आप हिस्टोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट्स डिस्टिलिस, यानी कि जो पार्ट्स डिस्टिलिस होता है उसका ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हमारे में। तो पहला हमारे में एसिडोफिल सेल, तो ये रहता है हमारे में एसिडोफिल सेल, इस कुछ इस तरह से इसका एसिडोफिल सेल का स्ट्रक्चर रहता है ऐसा, इस तरह से हमारे क्या है एसिडोफिल सेल होता है। इसके में आपके क्या होगा दो हार्मोन्स यहाँ से क्या होते थे सीक्रेट जो है वो होता था, क्या था इसमें सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स और एक था इसमें लेक्टोट्रॉफिक हार्मोन्स, सोमेटो और एक था क्या हमारे में लेक्टो, ठीक है, तो दो हार्मोन से सीक्रेट होता था। उसके बाद क्या था हमारे में दूसरा जो से था उसको बोलते हैं हमारे में बेसोफिल विद द ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म, तो ये रहता है हमारे में बेसोफिल सेल है, तो बेसोफिल सेल का आकृति कुछ इस तरह से आपके में ऐसा दिख रहा है ऐसा। तो इसमें भी आपके पास क्या होते थे इसमें आपके पास जो है वो तीन हार्मोन्स के इसमें सीक्रेशन होता है इसमें गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स, थायरोट्रॉफिक सेल,
थायरोट्रॉफिक सेल, और उसके बाद होता है हमारे में कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल, इसमें जो है आपका पाया जाता है कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल इसमें जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है तीन सेल के इसमें क्या होता है फॉर्मेशन जो है इसमें होते हैं, ठीक है। अब उसके भी अंदर अलग अलग इसमें क्या होगा पार्ट्स इसमें जो है वो आता है, और ये जो रहता है इसको बोलते हैं आपका कॉइल्ड शेप्ड में रहता है, तो ये है आपका सेनेसॉइड है ये। उसके बाद होता है इसमें सेनेसॉइड सेल्स इसमें जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इसमें दूसरा नंबर आता है इसका पार्ट्स ट्यूबुलरिस, तो एडिनो हाइपोफाइसिस का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो कि क्या होता है रेक्टस पाउच से डेवलप्ड होता है, रेक्टस पाउच के द्वारा जो है इसका डेवलपमेंट जो है वो होता है। उससे इसमें आपको और बोलते हैं पार्ट्स ट्यूबुलरिस का जो है आपका कितना होता है, इसका थिकनेस बोलता है तो 25 से 60 μm जो है इसका थिकनेस जो है वो होता है, थिक जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें क्या बोलता है, यह आपका क्यूबॉइडल कोलमनार सेल से कंसिस्ट होता है, ये किससे होता है आपका क्यूबॉइडल कोलमनार सेल से कंसिस्ट होता है, अच्छा मैं भूल गया इसको, यह इनफंडिबुलम स्टाक के चारों ओर जो है चारों ओर कलर का फॉर्मेशन करता है। तो इनफंडिबुलम जो रहता है इनफंडिबुलम के चारों ओर जो है कलर का फॉर्मेशन करने वाला होता है। फिर क्या बोलते हैं इसमें पार्ट्स ट्यूबुलरिस में स्मॉल ग्रेन्यूल्स एंड जो है लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है, यानी कि ग्रेन्यूल्स रहेगा और लिपिड्स के जो है ड्रॉपलेट्स उसमें जो है वो पाया जाता है, और इसमें जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड का होता है। पार्ट्स इंटरमीडिएट जिसे क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब्स कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब्स के नाम से इसको जानते हैं। इट प्रेजेंट बिटवीन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड नीरो हाइपोफाइसिस, तो एडिनो हाइपोफाइसिस एवं जो है नीरो हाइपोफाइसिस के जो है वो बीच में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता क्या है पार्स इंटरमीडिया स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सीक्रेट करता है, स्पेसिफिक जो है वो मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सीक्रेशन इसके थ्रू जो है वो किया जाता है। MSH अल्फा एंड बीटा सब यूनिट कंसिस्ट होता है, तो इसमें आपका MSH अल्फा रहेगा उसी साथ जो है बीटा सब यूनिट से कंसिस्ट जो है वो होता है। साइंटिस्ट ली के अनुसार जो है क्या बोलते हैं MSH 22 अमाइनो एसिड का बना हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो होता है। तो अमाइनो एसिड जो है यानी कि MSH जो है 22 अमाइनो एसिड का बना हुआ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में उसमें पाया जाता है। उसका फंक्शन क्या बोलता है इट कंट्रोल द बॉडी कलर एंड जो है पिगमेंटेशन को जो है वो कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। तो इस तरह से हमारे में पाए जाते हैं पार्स इंटरमीडिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इसमें जो है वो रहता है। तो ये जो अंदर की ओर जो रहता है यहाँ पर इसको बोलते हैं हमारे वॉक्यूल्स के नाम से जानते हैं। फिर ऊपर की ओर आप में दिख रहा है आपका पॉलीगोनल सेल स्टैंडर्ड विथ बेसिक डैश, ठीक है, विथ बेसिक डैश के साथ जो है इसमें पाया जाते हैं। जाते हैं इसमें नीरो हाइपोफाइसिटरी ग्लैंड का जो है पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो नीरो हाइपोफाइसिस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट होता है, और यह पिट्यूटरी ग्लैंड का 25% भाग जो है वो बनाता है, यानी कि 25% पार्ट का निर्माण जो है वो करता है। और इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, यानी कि अलग अलग पार्ट्स के द्वारा ये भी क्या होता है कंसिस्ट जो है वो रहता है। तो इसमें आएगा पहला इसका पार्ट्स नर्वोसा, तो पार्ट्स नर्वोसा क्या रहता है पार्ट्स नर्वोसा न्यूरो हाइपोफाइसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह न्यूरल एक्टोडर्मस के आउटग्रोथ से बनता है, जो न्यूरल एक्टोडर्म के आउटग्रोथ रहता है उससे वो बनता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्पेशल टाइप के सेल्स पाई जाती है जिसे आपका पिट्यूटोसाइट कहते हैं, इसको बोलते हैं आपका पिट्यूटोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है। और पिट्यो जो होता है साइड उसमें आपका क्या पाए जाते हैं एडिनो पिट्यूटोसाइट होता है, उसके बाद है आपका माइक्रोपिट्यूटोसाइट, उसके बाद है फाइब्रोपिट्यूटोसाइट और रेटिकुलोपिट्यूटोसाइट इसमें जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो है आपका पार्स नर्वोसा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इसमें जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ ब्लड के वेसल्स होते हैं, उस वजह से पॉलीगोनल सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल इसमें पाया जाता है, होगा न्यूरो सेक्रेटरी सेल, फिर यहाँ पर जो है आपका हेरिंग बॉडी इसमें जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आएगा इसमें दूसरा इसका पार्ट था इनफंडिबुलम स्टॉक, तो इनफंडिबुलम स्टॉक जो है वो क्या होता है उसको देखते हैं। आल्सो नोन एज पिट्यूटरी स्टॉक के नाम से इसको जाना जाता है, और इनफंडिबुलम स्टॉक जो है आपका लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है जो कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से अटैच करती है, वो थैलेमिक सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस सीक्रेट फॉलोइंग हार्मोन्स को कौन कौन से हार्मोन्स के इसमें जो है वो सीक्रेशन इसमें करता है, वैसो
एक्सप्रेसिन और है आपका एंटी यूरेटिक हार्मोन्स, इसमें जो है वो सिक्रेशन होता है एंटी यूरेटिक और वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, यह हार्मोन्स एनिमल बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम जो है वो करता है। उसी तरह से इसमें आल्सो रेगुलेट द ब्लड के प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम जो है वो करता है, यानी कि एंटी एंटी डाई यूरोटिक एवं जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स लेबर पेन जब होता है डिलीवरी टाइम, तो उसी तरह से यूटेराइन जो वॉल होता है उसके उसके जो मसल्स होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन एवं जो है रिलैक्सेशन में जो वो हेल्प करता है, और आल्सो हेल्प इन मिल्क सिक्रेशन, और ये जो है आपका मिल्क सिक्रेशन का काम भी करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और उसके बाद होगा इसमें नीरो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स क्या बोलते हैं इसको, पिट्यूटराइन कहलाते हैं, इसको बोलते हैं हमारे पिट्यूटराइन हार्मोन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिस इज कॉज बाय जो है हाइपो सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है वो कम सिक्रेशन होने से क्या होता है, इसमें इसके जो हार्मोन्स होते हैं वहाँ जो हार्मोन्स आता है उससे कम सिक्रेशन से क्या होता है। तो पहला इसमें आएगा आपका डार्फिज्म, मतलब इसमें छोटे होना, इसके जो है इससे इससे अब बॉडी ग्रोथ जो है कम होता है, जिससे एनिमल में आपको डॉर्फ हो जाता है। ठीक है, लॉकिंग ऑफ जो है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो कैसा हो जाता है लॉक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आपको डार्फिज्म। फिर उसके बाद है पिट्यूटरी मैक्सिमा, तो यह बोलते हैं यह एडल्ट पर्सन में होने वाली हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिससे एनिमल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिसीज कैसेस बाय हाइपर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसमें आपका आएंगे इसमें मैग्नेटिज्म, तो इसमें एनिमल के जो होते हैं साइज काफी बड़ा हो जाता है, यानी कि टॉल हो जाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं इसमें एक्रोमेगलेक्स, तो इसमें एडल्ट स्टेज में आपका एसटीएच हार्मोन्स की अधिकता के कारण जो है यह जो है आपका डिसीज होता है, जिसमें मैन जो है गोरिल्ला लाइक जो है दिखाई देने लगता है। आल्सो कॉल्ड हंचबैक डिसऑर्डर, यानी कि हंचबैक डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।